की सही जांच न करवाई गई, हमारे भाइयों को दोषी ठहराया गया, तो हम 25 लोग मिलके अपने आप को आत्मदाह कर लेंगे। सच इंक्वायरी की जाए, सही सच क्या है उसको सामने लाया जाए, मीडिया में दिखाया जाए। बोलिए सर, तीन तीन परिवार, पांच पांच लोग तबाह हो रहे हैं सर। हम सर अकेले बच्चे हैं, अकेले अकेले बच्चों को क्यों फंसाया जा रहा है? बोलिए सर, क्या सबूत पर है? क्या सबूत है उनके पास? हमें जीने से क्या फायदा जब मेरा भाई चला गया? बोलिए सर, क्या आप चाहती हैं और क्या कहना चाहती हैं आप? सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसकी सीबीआई जांच हो। ये जो इनकाउंटर हो रहे, ये इनकाउंटर मत करवाना, नहीं कितने निर्दोषों की जान चली जाएगी सर। पांचों की सीबीआई जांच हो सर, जो भी जांच में निकलेगा मुझे मंजूर है इसकी सजा, लेकिन पहले इसकी जाँच हो सर। हम यही चाहते हैं, हम योगी जी से यही भी कहना चाहते हैं कि आप वो राजा हैं, उनका धर्म बनता है उनकी प्रजा को न्याय मिले। हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि उनको, हम लोगों को सीबीआई जांच हमारे भाइयों की कराई जाए सर। बस यही हमारे पास आ रहा है, बस सर कुछ नहीं। तीन बहने मर सर, मैं तीन बहने, अगर सीबीआई जांच नहीं हुई तो हम भी लोग मर जाएंगे सर। मेरा एक ही भाई है, हम तीन बहन और मेरा पापा दोनों वहीं पर हैं सर, हम भी लोग मर जाएंगे सर। जी के क्या करेंगे जब भाई बाप नहीं रहेगा, तो हम भी लोग क्या करेंगे सर? निर्दोष है सर, सीबीआई जांच कराई जाए, बस और कुछ नहीं कहना मुझे सर, सीबीआई जांच कराई जाए। हमने अपने बच्चे को डांट लिया, मतलब हमारा बच्चा बंद कर दिया जाना, तो उसने बलात्कार कर लगा दिया 12 दिसंबर को। नहीं, आपका लड़का क्या उसकी बेटी को लेके कहीं गया था? नहीं, कहीं रास्ते से मिलती थी तो आधार कार्ड मांगे जाते सब। हाँ सब मांग, कहीं अब इसने कहीं जाओगे तो कोई ग्रुप चाहिए ना आपको? अपने बच्चे को मैंने एक रात कहीं को नहीं छोड़ा। दो महीने पहले जो वो कह रहे हैं, उसका पिता कह रहा है कि लेके चले गए थे। नहीं नहीं, बिल्कुल कह रहा लेके गए थे, उनके पास कोई नहीं प्रूफ है, उनके पास उनके पिता बोल रहे हैं कि दो महीने लेके चले, कहाँ ले प्रूफ? हम मांगते हैं आप प्रूफ दीजिए, कहाँ मेरा लड़का लेके गया? मैंने अपने लड़के को भैया कभी एक रात को कहीं नहीं छोड़ा, अपने साथ ही रखा है, कभी मैंने छोड़ा कहीं नहीं। वो एक महीने वो उस लड़की के मन में होगा धारा, वो हम नहीं जानते, लेकिन मेरे लड़के का ऐसा कोई संबंध नहीं था कि वो शादी करे। शिवम और शुभम में क्या रिश्ता है दोनों में? पारिवारिक चाचा भतीजे हैं, पारिवारिक हैं, कोई सखे नहीं है। शिवम शिवम के साथ उसका प्रेम संबंध था, शिवम के साथ वो गई थी, शिवम के साथ ही लौट के आई, शुभम को उसने क्यों फंसाया? शुभम को फंसाया, कहती थी शादी हमारी करा दो, तुम प्रधान हो, जब कोई शादी नहीं कर रहा था हम जबरदस्ती शादी करा दे, किसी की शादी जबरदस्ती नहीं होती है। बस यही मैटर था कि एक कहती थी कि तुम प्रधान हो, सबकी शादी कराती, दो तीन मैटर ऐसे नीच वर्ग में पड़ गए तो हमने उसकी शादी करा दिया। इसका मैटर नहीं, वो ब्राह्मण था, वो नीच वर्ग तो नहीं शादी किया उसने, इसीलिए हमारा बच्चे को फंसा दिया। कहती ये भी कहती थी कि तुम हमारे बच्चों को हमारी शादी करा दे, तुमको निकाल दे, तुम्हारे बच्चों को निकाल दें, ये हमेशा कहती थी। हमारे घर उसने खाना बना, उसकी माँ खाना बनाने आती थी, ये कहती थी हमारे बच्चे को, बच्चा को शादी करा दो, तुम्हारे बच्चों को निकाल दो, बस यही। हमारे इसमें मेरे बच्चे, मेरा आदमी निर्दोष जेल गया, सीबीआई जांच चाहिए।